किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर पार्श्वगायक समुदाय में से एक रहे हैं। वे एक अच्छे अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने बंगाली, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में गाया था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक के लिए 8 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उस श्रेणी में सबसे ज़्यादा फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। उसी साल में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उस वर्ष के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए चालू कर दिया था। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वहाँ के जाने माने वकील कुंजीलाल के यहाँ हुआ था। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थे। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में खंडवा को याद किया। वे जब भी किसी सार्वजनिक मंच या किसी समारोह में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, शान से कहते थे, किशोर कुमार खंडवा वाले। अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। जब बड़े भाई अशोक कुमार का फिल्मी करियर बन चुका था, तब उनके परिवार का मुंबई आना जाना होने लगा। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम आभास कुमार से किशोर कुमार रख दिया। फिल्म बॉम्बे टॉकीज से किशोर कुमार ने अपने गायन करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने पार्श्व गायक की भूमिका निभाई। 1946 में आई फिल्म शिकारी उनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनेता की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1948 में फिल्म जिद्दी में उन्होंने देवानंद के लिए गाना गाया था। फिल्म में किशोर कुमार की काम की बहुत प्रशंसा हुई। 1954 में उन्होंने बिमल रॉय के लिए नौकरी फिल्म में एक बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका करके अपनी ज़बरदस्त अभिनय प्रतिभा से परिचित कराया। इसके बाद 1955 में बनी बाप रे बाप, 1956 में बनी नई दिल्ली, 1957 में आशा और 1958 में बनी चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया। किशोर कुमार का व्यक्तित्व मनमौजी किस्म का था। हमेशा मस्त रहने वाले किशोर कुमार अपनी जन्मभूमि खंडवा से बहुत प्यार करते थे। एक और बात जिसकी वजह से किशोर कुमार को अधिकतर फिल्मकार पसंद नहीं करते थे, वह थी बिना पैसे लिए काम करने की आदत। वह तब तक किसी गाने की रिकॉर्डिंग नहीं करते थे जब तक उन्हें पैसा नहीं मिल जाता था। सन 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने उन्हें पहली बार मरने की दुआएं क्यों मांगू गाने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवानंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्मों में उन्होंने कई यादगार गीत गाए। उन्होंने अपनी गायन शैली में रविंद्र संगीत के साथ यूडलिंग स्टाइल को मिलाकर एक अलग ही मूड पैदा किया। इनकी शरारतों के किस्से आज भी उस जमाने के कलाकारों के जहन में ताज़ा है। उनके गानों में जो शरारत हम महसूस करते हैं, कहा जाता है सॉन्ग मेकिंग के दौरान वह उन्हीं शरारतों के साथ रिकॉर्डिंग करते थे। इस तरह उनका हर गाना यादगार बनता था। किशोर दा ने संगीत की तालीम तो नहीं ली थी, पर दिल की गहराइयों से गाने वाले इस गायक ने क्षितिज की ऊंचाइयों को पीछे छोड़ दिया था। अशोक कुमार बताते हैं कि उनका बचपन से गला खराब रहता था और लगातार खांसते रहते थे। बचपन में किशोर कुमार के साथ एक घटना हुई जिसमें उनके पैर की एक उंगली कट गई थी। तब दर्द के मारे किशोर कुमार का बुरा हाल हुआ था और उस समय ऐसी दवाइयाँ नहीं थी जो दर्द को कम कर सके। दर्द के कारण दिन के अधिकतर समय रोते रहते थे और दवा देने के बाद चुप होते थे। एक महीने तक उनके रोने का सिलसिला यूं ही चलता रहा और इसी कारण बचपन से खांसते रहने वाले किशोर कुमार का गला साफ हो गया। इसके बाद उन्होंने गाने गाने को शुरुआत किया। किशोर कुमार ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, इसलिए संगीतकार उन्हें गाने में लेने के लिए कतराते थे। फिर भी एक बार संगीतकार सलीम चौधरी ने उनकी आवाज़ सुनकर उनको गाने के कई मौके दिए। इसके बाद किशोर कुमार ने न्यू दिल्ली, आशा, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, गंगा की लहरें और पड़ोसन जैसी फिल्मों में हास्य अभिनेता का काम किया। चलती का नाम गाड़ी उनके अभिनय के तौर पर एक सफल फिल्म रही जिसमें कार मैकेनिक के रूप में उनके और मधुबाला के बीच रोमांस को दिखाया गया है। इस फिल्म में
उनका गाना एक लड़की भीगी भागी सी बहुत लोकप्रिय हुआ था। सबसे पहले किशोर कुमार अभिनेता के रूप में वर्ष 1946 में शिकारी फिल्म में नजर आए थे। किशोर कुमार ने पहला गाना देवानंद की फिल्म जिद्दी में वर्ष 1948 में गाया था। किशोर कुमार को 8 बार बतौर गायक फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया। सबसे पहले किशोर कुमार को आराधना फिल्म के रूप तेरा मस्ताना के लिए सन 1969 में बेस्ट सिंगर का फिल्मफेयर पुरस्कार दे दिया गया। किशोर कुमार ज़्यादातर एकांत में रहना पसंद करते थे और उन्होंने सन 1987 में फैसला किया कि अब वे संन्यास लेकर अपने शहर खंडवा में चले जाएंगे। किशोर कुमार का कहना था, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। किशोर कुमार का अपने आप को लोगों के सामने दर्शाने का एक अलग ही तरीका था। किशोर कुमार जब भी लोगों के सामने जाते थे तब वे अपने आप को किशोर कुमार खंडवा वाले कहते थे। किशोर कुमार जब इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे तब वे अपने कॉलेज की कैंटीन में उधार सामान लिया करते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। एक बार जब कैंटीन मालिक ने उनसे अपने 5 रुपये और बारह आना मांगे तो वे कैंटीन में बैठकर 5 रुपये 12 आना गीत गाते और कैंटीन वाले की बात नहीं सुनते थे। किशोर कुमार ने 4 बार शादी की थी। उनकी पहली पत्नी बंगाली गायिका और अभिनेत्री रुमा गुहा ठाकुरदा उर्फ रुमा घोष थी। यह शादी 1950 से 1958 तक चली। उनकी दूसरी शादी फिल्म अभिनेत्री मधुबाला से की थी। मधुबाला के साथ उन्होंने होम प्रोडक्शन चलती का नाम गाड़ी और झुमरू सहित कई फिल्मों में काम किया था। जब किशोर कुमार ने उनसे शादी करने का प्रस्ताव किया, मधुबाला बीमार थी और इलाज के लिए लंदन जाने के लिए योजना बना रही थी क्योंकि उनके दिल में छेद था। उनकी रोमा के साथ शादी हो चुकी थी। उनसे तलाक के बाद 1960 में किशोर कुमार इस्लाम में परिवर्तित होकर अपना नाम करीम अब्दुल रखकर मधुबाला से उन्होंने शादी की थी। इसमें उनके माता पिता ने भाग लेने से इनकार कर दिया। किशोर कुमार ने माता पिता को खुश करने के लिए हिंदू रीति रिवाज से शादी की, लेकिन उसके माता पिता ने मधुबाला को सही मायने में किशोर की पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। शादी के एक महीने के भीतर ही वह कुमार के घर में तनाव की वजह से बांद्रा में अपने बंगले के लिए वापस रवाना हो गई। वे शादीशुदा थे लेकिन मधुबाला के शेष जीवन के लिए यह बहुत दबाव बना रहा। उनकी शादी मधुबाला की मौत 23 फरवरी 1969 के साथ समाप्त हो गई। किशोर कुमार ने तीसरी शादी योगिता बाली से की थी जो 1976 से 1978 तक चली। किशोर ने 1980 में लीना चंदावरकर के साथ शादी की थी। ये शादी किशोर कुमार की मृत्यु 13 अक्टूबर 1987 तक चली। उनके 2 बेटे रुमा के साथ अमित कुमार और लीना चंदावरकर के साथ सुमित कुमार है। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने गांव खंडवा जाने का सपना 13 अक्टूबर 1987 को उनके दिल के दौरा पड़ने की वजह से अधूरा रह गया और उनकी मौत हो गई। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनको खंडवा में दफनाया गया। किशोर कुमार की मौत से भारतीय सिनेमा जगत को बहुत बड़ा झटका लगा। किशोर कुमार की ज़िंदगी में कई ऐसे अहम मोड़ और वाक्य आए जिन्हें एक ब्लॉग में समेट पाना नामुमकिन है। फिर भी यह कोशिश आवाज़ के मस्तमौला फनकार किशोर को एक श्रद्धांजलि है। धन्यवाद।